इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल में फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप डेवलपर टैब पर आ जाएं। डेवलपर टैब पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ फॉर्म कंट्रोल्स दिखाई देंगे। आज हम इनमें से कुछ फॉर्म कंट्रोल्स को यूज करना सीखेंगे और बाकी तो काफी आसान है ही, उन्हें तो आप खुद ही कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इसमें से मैं ले लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स इसमें इसका सेकंड ऑप्शन है, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ करना है। आपका जो माउस है वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। फिर आपको अपनी एक्सेल शीट पर उसे ड्रॉ कर देना है। कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है। पहले हम समझ लेते हैं कि कॉम्बो बॉक्स होता क्यों है। कॉम्बो बॉक्स हमें यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देगा, उसमें से मैं चाहूँ तो कोई सा सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं लिस्ट बना देता हूँ, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं लिस्ट बना देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ मैं एप्पल बनाना ऑरेंज और ग्रेप्स। इन चार फ्रूट्स के नाम देने के बाद मैं इस पर आऊंगा और राइट क्लिक कर दूंगा। लेफ्ट क्लिक करना है यहाँ पर। इसे सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट क्लिक करना है। कभी कभार आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा भी दिखाई दे, क्योंकि ये हल्का सा यहाँ से मूव हो जाता है तो ये ऑप्शन ये दिखा देता है। तो हम यहाँ पर आके लेफ्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और फॉर्मेट कंट्रोल्स में जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल, जब आप फॉर्मेट कंट्रोल को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक ऐसी नई विंडो दिखाई देगी फॉर्मेट कंट्रोल के नाम से। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनपुट रेंज डालनी है। इनपुट रेंज मतलब मैं अपनी लिस्ट में क्या क्या शो करवाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इस रेड बटन पर क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। इस रेड बटन पर ब्लू के साथ जो रेड केरो दिखाई दे रही है इसको इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा ऐसे शेप चेंज हो जाएगी इसकी। उसके बाद आपको अपने लिस्ट के आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी चीज़ आप अपने लिस्ट में दिखाना चाहते हैं। मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर लिया। फिर से मैं यहाँ पर आऊँगा और ये ब्लू और रेड जो मुझे सिंबल दिखाई दे रहा है एरो का, इस पर क्लिक करूँगा। इसके नीचे आ जाएगा सेल लिंक। सेल लिंक मुझे एक सेल लिंक करना पड़ेगा। वो सेल मुझे बताता है कि मैंने अपनी लिस्ट का कौन से नंबर वाला आइटम सेलेक्ट किया है। तो पहले मैं सेल को लिंक कर देता हूँ। सिर्फ एक ही सेल को लिंक करेंगे हम। फिर से यहाँ पर क्लिक करके मैं इस टाइम इस वाले सेल को लिंक कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या आउटपुट आएगा। सिर्फ एक ही सेल को लिंक करना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देता हूँ अभी के लिए। और अब तो मैं अपनी शीट पर कहीं पे भी राइट क्लिक कर देता हूँ और फिर अपने कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा चार ऑप्शंस आ गए हैं। मैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने बनाना, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन है, उसे सिलेक्ट किया था तो इस वजह से यहाँ पर 2 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर ऑरेंज सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। मैं इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाके अगर हमारे पास ड्रॉप लाइन आइटम्स 8 से ज़्यादा हैं तो हम उसे यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैंने डिलीट करके नया फॉर्म कंट्रोल इंसर्ट कर लेता हूँ। इस बार मैं टिक का साइन इंसर्ट कर लेता हूँ। ये बहुत ही आसान फॉर्म कंट्रोल है। आपको अपनी शीट पर जाना है और इसे ड्रॉ कर देना है और इसे पूरा इंक्रीज कर दीजिए। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो आपका चेक बॉक्स क्लिक हो जाएगा, जब दोबारा क्लिक करेगा तो ये अनचेक हो जाएगा। अब ले लेते हैं एक और नया फॉर्म कंट्रोल। इसका नाम है स्पिन बटन। स्पिन बटन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमें इसे पहले की तरह राइट क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है और फॉर्म कंट्रोल में आ जाना है। इसके फॉर्म कंट्रोल में आने के बाद आपको करंट वैल्यू 0 दिखाई दे रही होगी, मिनिमम वैल्यू 0 दिखाई दे रही है, मैक्सिमम वैल्यू 3 लाख दिखाई दे रही है और इंक्रीमेंटल रेंज 1 दिखाई दे रही है। इसमें होगा क्या, जब भी हम इसे इंक्रीज करेंगे, इस पर क्लिक करके इसे इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़
चाहते हैं तो इंक्रीमेंट रीच को आप दो कर सकते हैं। सेल लिंक आप रिजल्ट कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, मैं सेल को लिंक कर देता हूँ इस वाली एरो पर क्लिक करके, जहाँ पर भी मैं अपना आउटपुट दिखाना चाहता हूँ उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इस एरो पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देता हूँ। मैं सीट पर कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ और इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रही है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 लाख तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 तक जा सकती है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो फॉर्म कंट्रोल में जाकर राइट लेफ्ट क्लिक करने के बाद फॉर्म कंट्रोल में जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले फॉर्म कंट्रोल के पास। अगला फॉर्म कंट्रोल है हमारा लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स भी बिल्कुल कॉम्बो बॉक्स की तरह ही होता है। इसे हम ड्रॉ कर देते हैं। लेफ्ट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने कॉम्बो बॉक्स में करी थी, और उसके बाद सेल को लिंक कर देते हैं जो कि दिखाएगा कौन सा नंबर वाला आइटम सेलेक्ट है। उसके बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पर 3 आ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। अब इसमें से मैं कहीं पे भी शीट पर कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसमें से कोई सा भी अपना आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये दिखा देगा कि कौन सा नंबर वाला आइटम सेलेक्ट है। अगला फॉर्म कंट्रोल में सेलेक्ट करता हूँ जो कि है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को सेलेक्ट करके मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसे ड्रॉ करने के लिए मैंने इसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया है। मैं चाहता तो इसे लेफ्ट टू राइट भी ड्रॉ कर सकता था, तो मैं उसी को रख लेता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे उसी जैसे कि हमने पहले किया था, इस पर राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल में जाने के बाद इसकी करंट वैल्यू जो भी सेल लिंक करूंगा मैं, करंट में 0 होगी। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 तक जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 100 तक जा सकती है। एक एक से हमें बढ़ाना है। पेज चेंज भी हम अभी देखेंगे कि क्या होता है। तो मैं सेल लिंक कर देता हूँ, मैं ये वाला सेल लिंक कर देता हूँ, नीचे आकर ओके कर देता हूँ। कहीं पे भी सीट पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद वैल्यू इंक्रीज करता हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू इंक्रीज होती है। ये हमें बता रहा है कि अभी हम मिनिमम, ये मिनिमम है, जहाँ पर इस पेज ज़्यादा है उसकी तरफ जाएंगे तो हम तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जो पेज लिंक था वो ये था, ये अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये 10-10 से इंक्रीज होगा। अगर मैं पेज को कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर नीचे आकर, आप देख सकते हैं 10-10 से इंक्रीज हमारा हो रहा है, जो कि पेज लिंक था। और बाकी के बचे हुए फॉर्म कंट्रोल जैसे कि रेडियो बॉक्स और ग्रुप बॉक्स, लेबल, ये बहुत ही आसान है, आप इन्हें खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि रेडियो बॉक्स में कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे सेलेक्ट करके इस पर हम टिक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा अगला है ग्रुप बॉक्स, उसमें हम ग्रुप बना सकते हैं और उसके अंदर टाइप कर सकते हैं। अगला है हमारा लेबल फॉर्म, हम लेबल ड्रॉ कर सकते हैं और उसका कोई भी नाम हम दे सकते हैं, और हम चाहें तो इनकी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं फॉर्मेट कंट्रोल में जाकर।